अस्सलाम वालेकुम जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब पाकिस्तानी कार्रवाइयों का एतराफ, कहा कि अलकायदा पर दबाव पड़ा और उसके अरकान भागकर अफगानिस्तान गए। तमाम फरीकों से कहूंगा कि तालिबान ग्रुपों को मुजाकरात की मेज पर लाने के लिए दबाव डालें। वजीर आजम नवाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े, कहा स्पीकर से दोबारा इलेक्शन हार गए, ओकाड़ा में जमानत जब्त करवा बैठे, अब तो आंखें खोलो और हकायक तस्लीम करो, अपनी अना और जिद छोड़ो, संजीदा सियासतदान बनो, तुम टांगे खींचते रहोगे, हम तरक्की करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा है कि ऑपोजिशन का किरदार अदा करते रहेंगे, हुकूमत की नाहली पर सवाल उठाते रहेंगे, नंदीपुर के मामले पर भी सवाल उठाएंगे, हुकूमत के करप्शन स्कैंडल सामने लाएंगे। शेर शेर से ही लड़ पड़ा, नून लीग के शेर ने अपने ही शेर के कान और दुम काटने की धमकी दे दी। वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली ने एक बार फिर राणा सनाउल्ला पर 20 अफराद के कत्ल का इल्जाम लगा दिया। राणा सनाउल्ला कहते हैं कि चौधरी शेर अली की जहनी हालत ठीक नहीं। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा नदीम नुसरत को राबता कमेटी का कायम मकाम कन्वीनर और आमिर खान को सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया। और विफाकी हुकूमत का किसान पैकेज बल्दियाती इंतखाबात के जाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसान पैकेज की मौतली के खिलाफ विफाक की अपील मंजूर करते हुए किसान पैकेज बहाल कर दिया।